हे गाइस, राधे राधे। तो यहाँ देखिए, हम बना रहे थे अरबी का सब्जी और इसमें फ़ौरन डाले हैं, जीरा है, कुछ खड़ा मसाला है, मर्चा है और ये क्या बोलते हैं, प्याज है। इसको हमने घिस लिया है। ज़्यादातर ग्रेवी वाले सब्जी में हम प्याज घिस के ही बनाते हैं। और इसमें यहाँ पे फ़ौरन तड़क रहा है और जब ये जल जाएगा, देखिए इसमें प्याज भी हमने डाल दिया और अब प्याज को भूनेंगे। और देखिए यहाँ कैमरे में ये गरम का ये जो होता है ना, वो लग जा रहा था, तो बार बार अपने कपड़े से पूछ रहे थे। और यहाँ हमने अरबी को काट के रख लिया है, यहाँ देखिए काट के रख लिया है हमने। और इसको छोटे छोटे पीस में काट लिया है। इधर दूध गरम हमारा हो रहा है, इधर प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो ही गया था। और यहाँ देखिए अब जा रहे हैं डालने के लिए, प्याज भुना गया है। तो बहुत ही टेस्टी होता है ये अरबी का सब्जी, खाने में बहुत टेस्टी लगता है। जिसको मतलब क्या बोलते हैं, गठिया वगैरह दर्द वगैरह की बीमारी होती है, वो तो नहीं खाते हैं। लेकिन हम लोग बिहारी हैं, तो हम लोग बिहार की तरफ, हम लोग की तरफ बंडा होता है, इधर हम लोग की तरफ तो इसको अरबी बोलते हैं, लेकिन यहाँ अरबी बोलते हैं। तब पानी में से इसको छान रहे थे, देखिए छान के इसमें डाल दिए और भून रहे हैं। और जब तक इसमें का ना ये चिपचिपा होता है, थोड़ा सा ये चिपचिपा होता है जो कि खुजली करता है, तो इसको भून देंगे ना तेल में, तो जो भी चिपचिपा है इसका निकल जाता है और ये खुजली नहीं होता है। तो देखिए इसको फ्राई कर रहे हैं। और इधर मसाला हमने पीस के रेडी किया है। मसाला इसमें कुछ नहीं है, बस सिर्फ सरसों है, धनिया है और जीरा है और मिर्चा है, बस यही तीन मसाला है। क्योंकि सरसों से ही ये बनता है। इधर चावल भिगा दिया था हमने, चावल और सब्जी बना रहे थे और बीच बीच में सब्जी को चला भी रहे थे। और फिर यहाँ हमने फाइनली मसाला डाल दिया था और मसाला डाल के इसको देखिए अब भून रहे हैं। मसाला के साथ इसको भूनना बहुत ही ज़्यादा मतलब ज़रूरी होता है, बहुत ज़्यादा भूनना पड़ता है। देखिए बीच बीच में आके चला रहे थे, जैसे जैसे भुना जाता वैसे वैसे तेल मतलब छोड़ रहा था। तो अभी और थोड़ा सा इसको भूनेंगे, भुना जा रहा, फिर इसमें पानी ऐड करेंगे। देखिए भुना गया था, यहाँ हमने पानी डाल दिया था, थोड़ा और कम लग रहा था, और अपने मतलब ग्रेवी के अनुसार हम पानी इसमें डालेंगे। देखिए पानी हम